Good morning, students. Today we will start the third unit, that is calculus. It has 44 marks and it has 5 chapters. First chapter is continuity and differentiability. Second chapter is applications of derivatives. Third chapter is integrals. Fourth chapter is applications of integrals. And the fifth chapter is differential equations. Today we will start from the first chapter, which is fifth in the syllabus, the fifth chapter, that is continuity and differentiability. जो continuity है, आज हमारा topic है continuity. जो continuity है, इसका जो base है, the base is from the limits, जो आपने already 11th में पढ़े. यानी अगर कोई function है, x उसको a पर क्या वो continuous है, तो फिर क्या होना चाहिए? इसका लिमिट x उसको a पर एग्जिस्ट होना चाहिए और ये किसके बराबर होना चाहिए? f ऑफ a के बराबर. देन इट इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a. ले आज जो हम करेंगे दैट इज कंटिन्यूटी. लेट y इक्वल टू fx. पहले मैं आपको बताऊंगा सिंपल, मतलब इसका मीनिंग, नॉट द डेफिनेशन. ये मानो ये कोई है ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इसको एफ एक्स. तो हम कहते हैं ये इस x, यहां पर x इसको a है, इस पॉइंट पर ये कंटिन्यूस कब होगा? अगर x a है ये तो f a होगा. ये मानो पॉइंट p है तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? a f a. अगर इस पॉइंट पर a f a पर इसको कोई ब्रेक नहीं होगी और इट इज विदाउट होल्स, देन वी से इट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन. वी से इफ इट इज ग्राफ हैज नो होल्स और ब्रेक्स एट दिस पॉइंट, देन वी से इट इज कंटिन्यूअस. तो ये सिंपल है, दिस इज नॉट डेफिनेशन. अब हम डेफिनेशन कैसे देंगे? हाउ वी डिफाइन कंटिन्यूटी? डेफिनेशन तो हम लिखते हैं ए फंक्शन y is equal to fx is said to be continuous at x is equal to a. The a kya hai? It lies in its domain. At x is equal to a of its domain. का मतलब है जो ये पॉइंट है ये इसके डोमेन में है, ऑफ इट्स डोमेन. इफ क्या होना चाहिए? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए. दिस इज द डेफिनेशन. यानी कोई फंक्शन एक्स इज इक्वल टू ए पर कब कंटिन्यूअस होगा? अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए. अगर ये सिंपल फंक्शन है, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो फिर हम यही यूज करते हैं डायरेक्टली लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए. लेकिन अगर ये फंक्शन इफ इट इज अ पीस वाइज फंक्शन, यानी पीस वाइज फंक्शन का मतलब है लेस देन ए पर इसका अलग वैल्यू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए पर इसका अलग वैल्यू है. तो ए पर ये थोड़ा सा इसका अलग डिफरेंट फंक्शन, ये तो इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन. अगर ये पीस वाइज फंक्शन इज एट ए, तो फिर हमें लेना पड़ता है लेफ्ट हैंड डेरिवेट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट, और वो होना चाहिए किसके बराबर? एफ ऑफ ए. वो कब करना पड़ता है? अगर ये पीस वाइज फंक्शन है. सो व्हाट डज दिस इंप्लॉय? तो फिर हम लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट. ए माइनस का मतलब होता है लेस देन ए. ए के ऊपर मैंने माइनस लिखा, दैट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, दिस इज द राइट हैंड लिमिट f of x and this is equal to f of a. Left hand limit at x is equal to a is equal to right hand limit at x is equal to a is equal to f of a. Then we say the function is continuous at x is equal to a. तो ये वाला हम कब करते हैं? अगर a पर इसका less than a पर अलग value होगा, greater than a पर अलग value होगा, तो फिर हमें ये करना पड़ता है. अगर ऐसा नहीं है, इफ इट इज अ सिंपल पॉलीनोमियल फंक्शन और अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो फिर हम डायरेक्टली ये करेंगे. सो इफ इट इज पीस वाइज एंड एट एक्स इज इक्वल टू ए इट चेंजेस इट्स वैल्यू,
then we have to use this left hand limit is equal to right hand limit is equal to this. It's a continuous function. If it does not satisfy this, then the function is said to be discontinuous at x is equal to a. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी होते हैं. तो अगर मैं कहूंगा अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है बट इट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, देन इट इज कॉल्ड ए रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. अगर एफ ये लिमिट एग्जिस्ट होता है लेफ्ट हैंड लिमिट इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट बट इट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, देन वी से दिस इज ए रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बिकॉज दिस डिसकंटिन्यूटी कैन बी रिमूव्ड by defining again it at x is equal to a. ठीक है, दूसरा है अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होगा then we say it is a discontinuity of first kind. discontinuity of first kind क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है. तीसरा है अगर लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में दो में से एक एग्जिस्टिंग नहीं होगा या दोनों एग्जिस्ट नहीं होंगे then it is called the discontinuity of second kind. ठीक है, अगर एफ ए के बराबर नहीं है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, अगर एफ ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, अगर दो में से कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा देन इट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड. ठीक है, अब मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, लेट मी एक्सप्लेन बाय एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल लेट मी टेक द क्वेश्चन, discuss the continuity of fx. कोई सिंपल सा फंक्शन लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 2x² - 1 at x = 3. का मतलब है हमें देखना है क्या ये फंक्शन x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है या नहीं. इट इज वेरी सिंपल. इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले f ऑफ 3 निकालेंगे. f ऑफ 3 का वैल्यू क्या आएगा, 2 × 3² - 1 वो आएगा 9 × 18 18 - 1 = 17. उसके बाद निकालेंगे लिमिट, आल्सो लिमिट x → 3 f(x) =. इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज नॉट, इट इज अ सिंपल पॉलीनोमियल फंक्शन. इसमें डायरेक्टली आएगा ये बनेगा लिमिट x → 3 f(x) का वैल्यू 2x² - 1, उसके बाद x का वैल्यू दो 2 × 3² - 1 दोबारा 17 आएगा. सो फ्रॉम दिस टू व्हाट वी गेट, वी गेट limit x → 3 f(x) = f(3). Therefore, fx is continuous at x = 3. This is how we see whether the function is continuous at a given point. अब इसके बाद आपको क्वेश्चन ऐसा होगा whether a function is continuous in its domain, whether a function is कौन सी फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होती है. व्हाट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन कौन सी होती है, वो फंक्शन जो डोमेन के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो. अ फंक्शन व्हिच इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन इज कॉल्ड अ कंटिन्यूअस फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल उसके लिए मैं कहूंगा दूसरा क्वेश्चन, नंबर 2, discuss the continuity of the function fx = x²-25/x+5 where x is not equal to minus. इसकी continuity आप discuss करो. तो ये हमें देखना है क्या ये function continuous है, यानी हमें क्या देखना है whether it is continuous at each point of its domain. सबसे पहले हम देखेंगे इसका domain क्या है. डोमेन होता है x के वो सारे वैल्यू जो हम इसको देख सकते हैं, डोमेन ऑफ f, d ऑफ f जिसको, यानी इसमें हम सारे रियल वैल्यूज दे सकते हैं, सिर्फ -5 नहीं दे सकते क्योंकि -5 देंगे तो डिनोमिनेटर 0 बनेगा. इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -5. ठीक है, ये
इसके बाद में लिखूंगा जो एफ एक्स है, एफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाय एक्स प्लस 5, दिस वी कैन राइट एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 डिवाइड बाय क्या आएगा, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 कैंसल, दिस एम्प्लॉयज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। और इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस। अब हमें देख इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस कर, यानी इट शुड बी कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक ऑर्बिटरी पॉइंट लेते हैं, ऑर्बिटरी पॉइंट लेट ए बी एन ऑर्बिटरी पॉइंट विच बिलोंग्स टू डोमेन, विच बिलोंग्स टू आर माइनस। तो हम देखेंगे क्या ये इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, अगर ये इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है इसका मतलब है इट इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन। तो सबसे पहले एफ ऑफ ए निकालेंगे, एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या आएगा, वो आएगा ए माइनस 5, दिस इज ए माइनस 5, ठीक है। उसके बाद क्या निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, ये किसके बराबर आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 5, और वो फिर एक्स को देना है ए, ये आएगा ए माइनस 5, दोबारा इसी के बराबर आया, और यही है एफ ऑफ ए के बराबर। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एफ ऑफ ए, व्हाट डज इंप्लाय, इंप्लॉयज एफ एक्स, एंड दिस इज फॉर ऑल ए बिलोंग टू डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ वो क्या है, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस 5, दिस एम्प्लॉयज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 5, यानी एफ एक्स हर एक ए पर कंटिन्यूअस है, हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है जो डोमेन को बिलोंग करता है, देयरफॉर एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड टाइप, अब मैं और एक टाइप लूंगा, अगर वो आपको हो गया आप मानो आप कंटिन्यूटी इज ओवर, जो आप नेक्स्ट टाइप में दिखाता हूं वो पीस वाइज में मैं दिखाऊंगा, उसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालना पड़ेगा और राइट हैंड लिमिट भी निकालना पड़ेगा, वो हो गया तो ऑलमोस्ट कंटिन्यूटी इज ओवर। This is question number 3. Discuss the continuity of f of x is equal to mod of x minus 5. आपको कहना है कि ये function continuous है, is this a continuous function? तो आपको निकालना है it should be continuous at each point of its domain. इस form कैसे करेंगे solution? जो f x है इसके बराबर है मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, मॉडुलस फंक्शन आपने अलाउट में पढ़ा है अगर आपको याद होगा, अगर आपको है मॉड ऑफ फॉर एग्जाम्पल टी, मॉड ऑफ टी किसके बराबर होगा, माइनस टी इफ टी इज लेस देन 0 एंड टी इफ टी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये बात। तो यहां पर आपको टी की जगह एक्स माइनस 5 है, सो दिस एम्प्लॉयज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टी, टी क्या है आपका x minus 5, if t is less than 0, x minus 5 is less than 0, and t, t is x minus 5, if x minus 5 is greater than or equal to, ये बनेगा, तो ये बनेगा, f of x is equal to, जब इसको minus से multiply करेंगे, ये बनेगा 5 minus x, और ये बनेगा x minus 5, 5 इधर बनेगा, x less than 5, ठीक है, और x माइनस 5 इफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये हो गई पीस वाइज फंक्शन, क्योंकि 5 लेस देन 5 पर इसका अलग वैल्यू है, ग्रेटर देन 5 पर इसका अलग वैल्यू। अब इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन होता है x को क्या वैल्यू दे सकते, पूरा लेस देन 5 ग्रेटर देन 5 दैट्स माइनस 5,
इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जो डोमेन ऑफ एफ है, डोमेन ऑफ एफ दैट इज द सेट ऑफ रियल कर्व्स। अब मैं एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लूंगा ए, लेट ए बिलोंग्स टू आर, क्या ये इस ए पर कंटिन्यूअस है या नहीं है? इसके लिए इसमें तीन केसेस बनेंगे, पहले ए इज लेस देन फाइव, दूसरा ए इज ग्रेटर देन फाइव, एंड तीसरा ए इज इक्वल टू फाइव। लास्ट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ए इक्वल टू फाइव, ग्रेटर देन फाइव और लेस देन फाइव एक फॉर्मेलिटी है, दैट इज वेरी सिंपल, इसके बहुत सारे तरीके हैं। तो हम लेंगे नंबर फर्स्ट केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, इफ ए इज लेस देन फाइव, देयरफॉर एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या है? अगर ए लेस देन फाइव होगा, एफ ऑफ ए लेस देन फाइव में फाइव माइनस एक्स, तो यह आएगा फाइव माइनस ए, क्योंकि बिकॉज उसमें एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है फाइव माइनस एक्स, यहां पर आपको एफ ऑफ एक्स नहीं है, एफ ऑफ ए, सो इट इज फाइव माइनस ए। उसके बाद इसका लिमिट निकालेंगे, ऑल्सो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है, वो आएगा लिमिट x टेंड्स टू a x का x माइनस ए, यह आएगा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? फाइव माइनस एक्स, फाइव माइनस एक्स। अब जब वैल्यू देंगे ये क्या आएगा, फाइव x का वैल्यू क्या है? a, ये फाइव माइनस ए है, और ये दोबारा x के बराबर आ गया, एफ ऑफ ए के बराबर, ये और ये बराबर आ गए, दिस इज कॉल्ड एफ ऑफ ए। ठीक है, देयरफॉर क्या आएगा, सिंपलीफाइज लिमिट x टेंड्स टू फाइव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए फॉर ऑल ए लेस देन फाइव, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल ए लेस देन फाइव। ए लेस देन फाइव पर इसका वैल्यू निकाला, एफ ऑफ ए का वैल्यू निकाला, फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकाला, दोनों एफ ऑफ फाइव माइनस ए के बराबर आ गए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ गया, सो इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए लेस देन। तो ये था केस फर्स्ट व्हेन ए इज लेस देन फाइव। अब है केस सेकेंड, इफ ए इज ग्रेटर देन फाइव, तो उस वक्त एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या आएगा? ग्रेटर देन फाइव में क्या आता है? ग्रेटर देन फाइव में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन फाइव में, ग्रेटर देन फाइव में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस फाइव, इसलिए एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या आएगा? ए माइनस फाइव, ए माइनस फाइव। ठीक है, अब लिमिट निकालेंगे, ऑल्सो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, ए सी है ए ग्रेटर देन फाइव, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इसके बराबर आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा? एक्स माइनस फाइव, और एक्स को दो वैल्यू, अब ए ये आएगा ए माइनस फाइव, और ए माइनस फाइव फिर एफ ऑफ ए के बराबर आ गया, सो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इसके बराबर आ गया, f ऑफ a फॉर ऑल a ग्रेटर देन 5। ठीक है, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल, इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल a ग्रेटर देन। तो ये दो स्टेजेस इसमें आए, लेस देन ए पर भी ये कंटिन्यूअस है और ग्रेटर देन ए पर भी फाइव है, कंटिन्यूअस है ग्रेटर देन फाइव। अब सिर्फ एक पॉइंट रहा, दैट्स इक्वलिटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर इसके चार मार्क्स होंगे, दो ढाई मार्क्स उसी थर्ड केस के आएंगे। ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो ऑब्वियस है, दिस इज सिंपल, इसको हम और भी सिंपल कर सकते हैं। फिलहाल तो आप ये देखो ये कैसा है। अब है जो थर्ड केस है, केस थर्ड, केस थर्ड में क्या आएगा,
at A is equal to 5. At A is equal to 5. That means that is x is equal to 5. पहले f of a यानी f of 5 equal equal इसमें आता है y का 5 minus 5 क्यों? Because f of x is equal to x minus 5 for all x greater than or equal to 5 यानी equal to 5 के लिए यही आएगा and this is 0 ये f of 5. अब यहां पर इसको ग्रेटर देन 5 पर अलग वैल्यू है, लेस देन 5 पर अलग वैल्यू है, इसलिए इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालना पड़ेगा और राइट हैंड लिमिट भी निकालना पड़ेगा. नाउ लिमिट x टर्न्स टू 5 माइनस 5 के ऊपर माइनस, इसका मतलब है लेस देन 5. लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 5 f ऑफ x ये किसके बराबर आएगा? लिमिट x टर्न्स टू 5 माइनस, अब मैं माइनस नहीं लिखूंगा, माइनस का मतलब है लेस देन 5. लेस देन 5 पर इसका वैल्यू क्या है? 5 माइनस x. अब ये माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस का मतलब है लेस देन 5 और लेस देन 5 पर इसका वैल्यू है 5 माइनस x. आप इसका वैल्यू दो, ये आएगा 5 माइनस 5 दैट इज जीरो. अभी तक ये भी जीरो, ये भी जीरो. अब राइट हैंड लिमिट एंड लिमिट x टर्न्स टू 5 प्लस f ऑफ x, 5 प्लस होता है ग्रेटर देन 5 प्लस, तो ये क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 पर इसका वैल्यू क्या है? x माइनस 5. इट इज x माइनस 5. अब x को दो वैल्यू, 5 दैट इज 5 माइनस 5 दैट इज 0. देखो तीनों बराबर आ गए, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0. देयरफॉर व्हाट वी गेट? लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 5. व्हाट डज एम्प्लॉय? एम्प्लॉयज fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5. यहां पर आपको ये क्लियर हो गया क्या करना होता है अगर 5 पर, ये इसके पीस वाइज फंक्शन है, लेस देन 5 पर अलग वैल्यू है, ग्रेटर देन 5 पर अलग वैल्यू है, इसलिए लिमिट x एट लिमिट x इक्वल टू 5 उसका लिमिट के लिए निकालने के लिए आपको निकालना क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट. क्यों? बिकॉज लेस देन 5 पर अलग वैल्यू है और प्लस 5 पर अलग वैल्यू है, तो राइट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाला, राइट हैंड लिमिट भी निकाला और उसका वैल्यू एट 5 भी निकाला. अगर ये तीनों बराबर आएंगे देन इट इज कंटिन्यूअस. तो लेफ्ट हमने पहले इसका वैल्यू एट 5 निकाला वो 0 आ गए, लेफ्ट हैंड वैल्यू निकाला वो भी 0 आ गए, राइट हैंड लिमिट निकाला वो भी 0 आ गए, तीनों का वैल्यू 0 आ गए, ये तीनों बराबर है, इसका मतलब है इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5. तो पहले भी हमने कहा इट इज कंटिन्यूअस, पहले केस में इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल a लेस देन 5, सेकंड केस में इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल a ग्रेटर देन 5, फिर एट 5 भी ये कंटिन्यूअस है, हेंस f इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन. Hence, f is equal to f of x is equal to mod of x minus 5 is a continuous function. Actually, ये याद रखना चाहिए, कोई भी modulus function या absolute value function हमेशा continuous function होती है और वो आपको ऐसे ही करनी है. या x plus 5 हो, x minus 5 हो, x plus 7 by 2 हो, तो यही करना है. Breaking point जो बनेगा उस पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालना है और राइट हैंड लिमिट. एक्चुअली अगर हम इसमें ये शॉर्ट में भी हम कर सकते हैं, पहला फॉर लेस देन 5 fx इज इक्वल टू 5 माइनस x बीइंग अ पॉलीनोमियल फंक्शन इज कंटीन्यूअस फॉर, वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये पहला है. अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, आप मानो आपकी कंटिन्यूटी खत्म हो गई, क्योंकि यही कंसेप्ट है कैसे करना है. देन कंटिन्यूटी इज ओवर, इट शुड बी क्लियर. ठीक है, सो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे. थैंक यू.